अस्सलाम वालेकुम। मैं हजरत जी का मुरीद इंडिया से बोल रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा सवाल है हजरत जी से कि जब हम मुरीद होते हैं, यानी बैक करते हैं हजरत जी से किसी और से भी, तो उसमें तीन कैफियत हो जाते हैं, तीन लोगों के यानी तीन टाइप्स हो जाते हैं। एक, जब वो जिक्र या वजाइफ करते हैं तो उनको जिस्मानी बीमारी आ जाती है, कुछ तकलीफ आ जाती है। दूसरा, उनकी रूहानी कैफियत बहुत आला होती है, यानी जिक्र या वजाइफ करते वक्त बहुत मज़ा आता है, कोई किसी को कुछ नूरानी नज़र आ जाता है, कुछ उजाला हो जाता है। तीसरा तबका यह है कि उनको कुछ नहीं होता, यानी तकलीफ भी नहीं होती, मज़ा भी नहीं आता। ये क्यों होता है, इसकी थोड़ी तफसील बता दें। अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। अच्छा जी, बैत के वक्त की कैफियत। जी जी जी, माशा इंडिया से आप कॉल कर रहे हैं और शेख गालिबन ये पूछ रहे हैं कि बैत करने के वक्त जो है वो बस औकात कोई ऐसी कैफियत होती हैं, बस औकात नहीं होती, बाद तबीयत ख़राब हो जाती है, बाद तबीयत ख़राब नहीं होती, इस तरह की कैफियत होती हैं तो वो क्यों होती हैं? असल में बुनियादी वजह यह है कि जो शख्स बैत हो रहा है, उस बैत करने वाले की अपनी जो रूहानी कैफियत है, उस कैफियत पर डिपेंड करती है ये चीज़। बस औकात वो कहते हैं कि लकड़ियाँ बिल्कुल सूखी लकड़ियाँ वो आग के अंदर डालते हैं तो फ़ौरन जल जाती है, भड़क उठती हैं, लेकिन अगर गीली लकड़ी डालें तो बहुत देर तक तो वह उसके पानी को जो है वो यबूसत हासिल होती है आग की वजह से, उसका पानी पहले खुश्क होता है उसके बाद वो आग पकड़ती हैं। तो बात वही है कि जब भी कोई मुरीद होने लगता है उसकी रूहानी कैफियत कैसी है, पहले से अगर जो वो रूह उसकी पाक साफ धुली उजली हुई गई है तो अब वो बैत होने के वक्त जब वो निस्बत मुंतकिल होती है तो उसके अनवारात उसी उसको महसूस हो जाते हैं, उसको एक लज्जत की कैफियत होती है या जो भी उसको तबीयत के अंदर जो इतमानियत कल्ब उसको नसीब होने लगती है। और अगर ऐसा नहीं है, कसाफत बहुत ज़्यादा है, तो बैत होने के बाद वो उसके ऊपर कोई कैफियत नहीं होती, वो नॉर्मल जो है वो बैत कर लेता है, लेकिन जब जैसे जैसे जिक्र अजकार मामूलात करता रहता है वो कसाफत कल्ब की धुलती रहती है तो रूह जैसे मुजक्का होती है, अब उसकी अनवारात और कल्ब के अंदर कैफियत तो तमानियत पैदा होने लगती है। तो इंसान की ये दोनों तरह की कैफियत पर डिपेंड करता है कि कैफियत कैसी हैं, रूह पहले से पाक साफ है या ये है कि बहुत आलूदा है और उस जिक्र अजकार से पाक साफ हो रही है। इस वजह से बस औकात बिल्कुल कुछ नहीं होता और बस औकात उसकी बिल्कुल कैफियत बदल जाती है। ये इंसान की अपनी जो है रूहानी जो है जो भी कसाफत या लताफत पर जो है वो मदार रखता है। माशाल्लाह।